हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडी जोन्स। आज का टॉपिक है रक्त यानी ब्लड। ब्लड क्या होता है, कैसे परिवहन करता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे करता है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। ब्लड से कौन सा बीमारी होती है, कौन कौन से ब्लड होती है, RBC का क्या काम क्या होता है, WBC का काम क्या होता है। जैसे कि हम लोग का तबीयत खराब रहता है उसमें प्लेटलेट चेक करते हैं, तब प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या होता है, कितना हमारे शरीर में प्लेटलेट होना चाहिए, जो कि हम लोग चेकअप करवाते हैं तब पता चलता है प्लेटलेट इतना है तो हमारे शरीर में इतना कम हो गया है तो हम लोग को थकान या कमजोरी फील हो रहा है, तो कितना प्लेटलेट होना चाहिए, ये सब चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड को देखते हैं। सबसे इसमें बेसिक जो होता है ब्लड का बेसिक फॉर्मेशन, उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद WBC RBC और प्लेटलेट, इस सब चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लड। तो हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता है, मतलब ब्लड चलते रहता है, मतलब परिवहन करते रहता है, यहाँ से जाता है फिर आता है, 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से आता है, 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से जाता है। इसी को हम कहते हैं 120/80, जो हम लोग का चेकअप करने पर पता चलता है, 120 की रफ्तार से जाना और 80 की रफ्तार से आना, ब्लड सर्कुलेशन इतने ही रफ्तार में करता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए किसने सबसे पहले इसको पता किया था। तो विलियम हार्वे ने इसे सबसे पहले डिस्कस किया था कि हाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को विलियम हार्वे ने इसका परिसरण किया था, इसका खोज किया था। किसने किया था रक्त परिसरण का खोज, विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते रक्त का प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है, हमारे शरीर का प्राकृतिक कोलाइड है, हम लोग जानते हैं प्राकृतिक से ही ये रक्त कोलाइड मिला हुआ है। कोलाइड मतलब क्या होता है, जमना या थकना, जमना कोलाइड हो जाता है, उस चीज को हम कहते हैं ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक गाढ़ापन है। ये रक्त जो होता है हमारा संयोजी ऊतक का होता है, जो हमारा रक्त होता है वो एक संयोजी ऊतक का होता है। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है रक्त कौन सा ऊतक का होता है, तो संयोजी ऊतक का होता है। रक्त का pH मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगर 7.4 है इसलिए ये क्षारीय है, 7.4 को रक्त एक क्षारीय है। अब क्षारीय क्या होता है इसको हम बता देते हैं। अगर 7 रहता मतलब pH मान 7 रहता तो वो बेस हो जाता, अगर 7 से ज्यादा है तो उसे क्षारीय कहते हैं। यहाँ पे रक्त क्या है, 7.4 है, यानी 7 से ज्यादा है तो इसे बेस नहीं बोल सकते हैं, 7 से ज्यादा है इसलिए इसको क्षारीय बोलेंगे। अगर 7 से कम रहता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड। उस चीज को हम यहाँ पे लिखे नहीं, आप लोग लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखना है तो उस चीज को हम बोलते हैं एसिड। 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो एसिड, और 7 रहेगा तो बेस हो जाता है। ये pH मान होता है, pH मान के बारे में बताया है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रक्त हमारे शरीर में कितना होता है, तो सबको पता है या फिर हम बता रहे हैं रक्त हमारे शरीर में मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो मेल में 5.5 लीटर रक्त होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, मतलब महिलाओं से पुरुषों में आधा लीटर ज्यादा होता है ब्लड। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख चुके हैं 5.5 मेल में होता है और 5 लीटर फीमेल में होता है। हम अब यहाँ पे देख लेते हैं रक्त का परिवहन, यहाँ पे करते हैं रक्त का निर्माण कैसे होता है। सबको पता है हमारे शरीर में एक तो देख लिए, लेकिन रक्त का निर्माण कैसे होता है इस चीज को नहीं देख लिए। तो हम लोग का रक्त का निर्माण, हम लोग का जो बोन मैरो होता है ना, जो बोन मैरो यानी हड्डी हमारी होती है, हड्डी के अंदर हम लोग तो देख नहीं पाते, हड्डी के अंदर जाली के आकार का इसे बना रहता है, जालीदार आकार का बना रहता है, अंदर जाली के तरह रहता है। उसी बोन के अंदर, हड्डी के अंदर उस हम लोग का रक्त का निर्माण होता है, उसी के अंदर बोन के अंदर रक्त का निर्माण होता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल यहाँ पे लिख दिए हैं, रक्त का निर्माण व्यस्त व्यक्ति में, मतलब हम लोग एडल्ट हो गए, मतलब बड़े लड़का या लड़की कोई भी मनुष्य में बोन के अंदर होता है। तो हम लोग कह देते हैं कि अगर शिशु मतलब छोटे बच्चे पेट में होते हैं, जब पेट में होते हैं तो 9 महीने तक उनका निर्माण, उनके अंदर भी तो ब्लड होता है लेकिन उनका निर्माण कहाँ होता है, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं उनका हड्डी भी कमजोर होता है,
उसके अंदर तो ब्लड का निर्माण नहीं हो सकता, हम लोग का हड्डी तो मजबूत है तो उसी के अंदर ब्लड का निर्माण हो जाता है। अगर माँ के पेट में बच्चा है तो उसके अंदर अगर उस तो हड्डी तो एकदम लचीला होता होगा, कमजोर होता होगा, उसके अंदर ब्लड का निर्माण तो नहीं हो पाता। तो बच्चे छोटे बच्चे जो होते हैं भ्रूण होते हैं मतलब माँ के पेट में होते हैं, तो उनको ब्लड का निर्माण उनके लीवर से होता है। तो उनके अंदर लीवर जो होता है, लीवर के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। हम लोगों का है तो हमारे बोन में होता है, बोन में होता है। तो यहाँ पे गर्भावस्था में बच्चे में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल देख लिया हम लोग के अंदर, मतलब इसको बोन मैरो में होता है, मतलब हम लोग के अंदर बोन मैरो के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। इसको अस्थिल मज्जा भी हिंदी में कहते हैं, अस्थिल मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। इसमें अब देखते हैं रक्त पिल्ला या तिल स्पॉन में जमा हो जाता है, स्प्लीन। तो हम लोग कहते हैं रक्त हमारे ब्लड में एथी बोन में बनता है, हड्डी में बोन मैरो में बनता है, तो वो कहाँ जाके जमा होता है? तो हम लोग जानते हैं स्प्लीन, इसे पिल्ला या पिल्ली भी हिंदी में कहते हैं, इसी के अंदर ब्लड जमा होता है, जिसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जहां जमा होता है उसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः 17 में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हम लोग का रक्त जो होता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? जो कि हम लोग का फैटी काजू बादाम किशमिश वगैरह खाते हैं उस चीज में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा होता है। तो वही हम लोग देखते हैं 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है, मतलब 1 डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे अगला हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये हो गया हमारे हेमोग्लोबिन, मतलब रक्त में हेमोग्लोबिन भी होता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या रहता है, अगर कोशिका चैप्टर नहीं देखा वहां पे देख सकते हैं। हेमोग्लोबिन का काम वही रखता है ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को सर्कुलेशन करते रहना, ये एक रिवर्स चक्र चलता है। कोशिका चैप्टर में मैंने बता दिया था हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ये लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाना। फेफड़े से ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन लेता है ऑक्सीजन को और ब्लड तक देता है, सेल तक देता है, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फेफड़े तक देता है कि वापस हम उसे छोड़ सके। हेमोग्लोबिन का वही काम होता है। और यहाँ पे हम मेल में देख लेते हैं, मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसका मुख्य कार्य क्या है उसको हम बताएंगे, स्क्रीनशॉट करिए इसे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रक्त का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। तो रक्त का बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रक्त पोषण पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त पोषण पदार्थ का परिवहन कैसे करता है? हम लोग जो भी न्यूट्रिएशन लेते हैं, जो भी खाते हैं, खाने से जो भी हम लोग को उससे हम लोग जानते हैं, खाने के बाद उससे कुछ तो बेनिफिट होता होगा, प्रोटीन वगैरह मिलता होगा, जिसके कारण उसे परिवहन करता है। तो हम लोग जो भी खाते हैं उसे परिवहन कर ब्लड में चेंज कर देना, यही हमारा होता है सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक, रक्त पोषण पदार्थ का परिवहन करके ब्लड में चेंज कर देना। उसके बाद अगला होता है रक्त हमारे हार्मोन्स गैस O2 और CO2 का परिवहन करता है। ये O2 और CO2 का परिवहन कैसे करता है, तो हम लोग इसके पहले भी बता दिए थे, ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, किसे? हेमोग्लोबिन के थ्रू ये कार्य करते रहता है। जैसे कि हम लोग फेफड़े के तरह ऑक्सीजन ले लिए और वहां से हेमोग्लोबिन का करता है फेफड़े के अंदर, वहां से हेमोग्लोबिन का काम करना कहता है पूरे कोशिकाओं को बांटना और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना। ये हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन का काम करना यही रहता है, हार्मोन्स गैसों का परिवहन करना। उसके बाद यहाँ पे देख लो रक्त उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है, हमारे उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। जब भी हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, WBC, RBC और प्लेटलेट। हम लोग जानते हैं कि WBC का टाइम पीरियड 120 दिन का होता है, RBC का 4 डे का होता है और प्लेटलेट का होता है लगभग 1 हफ्ता। तो ये चीज उतना दिन में ये खत्म हो जाता है। कैसे हो जाता है, उस चीज को खत्म कैसे होता है, उस चीज को हम लोग अगले टॉपिक में देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे इतना समझ लीजिए, उसका निष्कासन भी करता है कौन, ये रक्त जो होता है उत्सर्जित पदार्थ का, मतलब जो एक्सक्रिएशन करना रहता है उसको हमें निष्कासित करना रहता है। उसके बाद इस टेम्परेचर को भी नियंत्रित करके रखता है। हमारे बॉडी में अगर रक्त रहता है तो उसके टेम्परेचर को नियंत्रित करके रहता है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा पूरे शरीर
ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है 120 के रफ्तार से जाना और 80 के रफ्तार से आना, ये सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हमारे नर्वस नस में चलते रहता है, जिसके चलते इसे हम टेम्परेचर हमारा रहता है बना रहता है, टेम्परेचर बना रहता है, जिसके कारण हम लोग को पता चलता है हाँ हम लोग ठीक है, ठीक ठाक है, टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। तो ये हमारा 120 के रफ्तार से जाना, 80 के रफ्तार से आना, जिसके कारण टेम्परेचर हमारे शरीर में बना रहता है, ये रक्त के कारण ही होता है जिससे हमारा टेम्परेचर हमारे शरीर में नियंत्रित रहता है। इसी टेम्परेचर कम होने के कारण हमारे शरीर में मलेरिया नामक बीमारी हो जाता है, जिससे हमारा टेम्परेचर घटने लगता है, कम होने लगता है, जिससे मलेरिया नामक बीमारी होती है, हमारा तापमान जो गिरने लगता है। हम यहाँ पे आगे बताए थे ये मलेरिया नामक बुखार हो जाता है, बीमारी होता है, जिसके कारण हमारा प्लेटलेट जो होता है प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण स्प्लीन जिसमें ब्लड बैंक होता है वो प्रभावित होने लगता है, ब्लड को अच्छे से सर्कुलेशन नहीं कर पाता है, उसे ब्लड को खत्म करने लगता है, जो मलेरिया नामक बीमारी में ये क्या होता है, हमारा तापमान गिरने लगता है जिसके कारण होता है। इसलिए हमारे शरीर में ब्लड भी बहुत महत्वपूर्ण है सर्कुलेशन करने के लिए, टेम्परेचर प्रदान करने के लिए, सब मुख्य कार्य हो गया ये वाला, टेम्परेचर प्रदान गिरने को मलेरिया नामक बीमारी हो जाता है। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद कितने टाइप का होता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे ब्लड को देखते हैं, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, WBC, RBC और प्लेटलेट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारे ब्लड में 16% होता है और ये कार्पल्स मतलब रुधिकाएं 40% होता है, लिखना भूल गए थे, ये 60% होता है, ये 40% होता है, ये 40% के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट होता है, ये तीनों इस कार्पल्स के अंदर होता है। तो RBC रेड ब्लड कार्पल्स और WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट, इसका फुल फॉर्म बताया थे, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो RBC का अध्ययन करते हैं एरिथ्रोसाइट्स में, RBC का एरिथ्रोसाइट में करते हैं, WBC का लिकोसाइट में और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट में, इस चीज को इसका अध्ययन किया जाता है। हम लोग जानते हैं RBC 50 लाख यानी 5 मिलियन होते हैं, मतलब इस कार्पल्स के अंदर RBC 50 लाख होता है और यहाँ पे ल्यूकोसाइट WBC 10,000 होता है और यहाँ पे कार्पल्स में प्लेटलेट 2 लाख होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं RBC का जीवन काल कितना दिन होता है, तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, WBC का जीवन काल 4 डे होता है, 4 दिन होता है और प्लेटलेट का जीवन काल 1 हफ्ता होता है। इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिए, बस यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद WBC, RBC और प्लेटलेट और प्लाज्मा क्या होता है। इस प्लाज्मा के अंदर ये भी 2 साइड आता है, थ्रोम्बिनोजेन्स और प्रोथ्रोम्बिन, इस दोनों को अगले से डिस्कस कर देंगे। ये प्लाज्मा सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद आते हैं प्लाज्मा क्या होता है। जैसा हम यहाँ पे देखे थे रक्त को अलग अलग भागों में बांटा गया था, तो सबसे पहले प्लाज्मा को देख लेते, प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें 90% भाग जल होता है, जैसे हमारे शरीर में 65% भाग क्या वाटर होता है और 65% और 35% भाग और भी पदार्थ होते हैं शरीर में, लेकिन 65% भाग जल होते हैं। वैसे ही हमारे प्लाज्मा में 90% भाग जल होते हैं और 10% भाग जो बचता है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 90% भाग जल होते हैं, 10% के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन, जो प्लाज्मा में पाए जाने वाले 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरे का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर 2 तरह के प्रोटीन होता है, फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये 2 प्रकार के प्रोटीन है जिसमें रक्त को जमाने में मदद करता है। अगर इसी दोनों को प्लाज्मा के अंदर से इस दोनों प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, वही बन जाता है सेरम। फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन को प्लाज्मा के अंदर से निकाल दिया जाए तो ये बन जाता है सेरम। यही दोनों प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन मदद करता है ब्लड को क्लोटिंग एंड जमाने में। ये 10% ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों इसी के अंदर ही होता है। और सेरम अभी हम बता दिए क्या होता है, सेरम इंग्लिश हिंदी नाम सेरम ही होता है। यह रक्त प्लाज्मा में, प्लाज्मा भी होता है ना, प्लाज्मा में अंदर फाइब्रिन और नामक प्रोटीन निकाल देने से शेष बचा हुआ भाग को सेरम कहते हैं। अब सेरम किसे कहते हैं, ये प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा के अंदर से
थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है तो जो शेष बचता है उसको हम सेरम कहते हैं। इसी सेरम से यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, इसमें समझ जाते होंगे ये ट्यूब में जो ब्लड दिया होगा सबसे ऊपर जो दिखाई दिया होगा ये येलो कलर का हो जाता है, उधर से फाइब्रिन निकाल देते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है, जिसके कारण उसी से कोई भी बीमारी का जांच किया जा सकता है। ब्लड में ब्लड को हम निकाल कर प्लाज्मा में से उसमें से फाइब्रिन को अलग कर देते हैं तो जो बचा हुआ येलो कलर का भाग होता है उसी को हम बोलते हैं सेरम। इसी के कारण हम कोई भी ब्लड का जानकारी ले सकते हैं, कौन सा बीमारी हो रहा है उसी से जांच किया जाता है। जैसे जांच घर में जाते हैं तो ब्लड में उसी चीज को लेकर सेरम से पता किया जा सकता है कि ब्लड में कौन सा बीमारी है कौन सा बीमारी नहीं, तो इसे हम सेरम कहते हैं। तो सेरम इसे बीमारियों का जांच किया जाता है। सेरम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट करें। इसके बाद रुधिराणु के बारे में बता देते हैं, मतलब इसको रुधिराणु, इसको इंग्लिश में क्रैपल्स कहते हैं। क्रैपल्स यह इसे तीन भागों में बांटा गया, क्रैपल्स को तीन भागों में बांटा गया, जैसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड क्रैपल्स, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड क्रैपल्स, और यहाँ पे प्लेटलेट दिया हो गया। इसका कितनी संख्या होती है, मृत्यु कितना दिन में हो जाती है, इसको अलग अलग एक ही करके डिस्कस कर देंगे। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है और रेड ब्लड व्हाइट ब्लड क्रैपल्स, रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल इसे नॉर्मली सेल कहा जाता है, लेकिन ये बायोलॉजिकल इसे क्रैपल्स कहते हैं। रेड ब्लड क्रैपल्स और व्हाइट ब्लड क्रैपल्स, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम देखते हैं व्हाइट ब्लड क्रैपल्स क्या होता है, डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म कहते हैं रेड ब्लड क्रैपल, इसको हिंदी में लाल रक्त कणिका भी कहते हैं। रेड ब्लड क्रैपल को लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं रुधिराणु का 95% से भी अधिक आरबीसी होता है, जैसे कि दो तरीका से बांटा गया था ब्लड को, एक तरफ रुधिराणु एक तरफ प्लाज्मा। तो रुधिराणु जो होता है 95% ये रुधिराणु का 95% से अधिक भाग आरबीसी का होता है, ये ऊपर की तरफ देख दिए, यानी 95% से भी ज्यादा भाग आरबीसी का होता है। मतलब प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तीनों में से सबसे अधिक होता है ये कौन, आरबीसी, ये आरबीसी। तो यहाँ पे आरबीसी को देख ले 95% से भी अधिक होता है, इसका कुल भाग जो होता है 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। कुल भाग कितना होता है 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन का मतलब हुआ 50 लाख होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ना ही इसमें लाइसोसोम होता है, ना ही केंद्रक होता है और ना ही लाइसोसोम होता है। तो इसमें केंद्रक भी नहीं होता है और लाइसोसोम भी नहीं होता है। तो मान लीजिए कि आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन के बाद ये मर जाएगा, डेड कर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा। मान लीजिए ब्लड में ही मर गया आरबीसी तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसमें लाइसोसोम का काम कर रहता है मरे हुए चीज को खा जाना, लाइसोसोम उसे खा जाता है। इसमें नहीं लाइसोसोम है ना ही केंद्रक है तो कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है स्प्लीन एंड तिल्हा में जाके मर जाता है, ये आरबीसी। और आरबीसी से हम डीएनए और आरएनए का चेक नहीं कर सकते हैं, डीएनए का चेक नहीं कर पाएंगे क्या इसे डीएनए है कि नहीं है। आरबीसी का ब्लड अगर दे दिया जाए तो उसे डीएनए को चेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए इसे चेक नहीं किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, अभी बताया आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसे खराब हुए आरबीसी को स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। जो भी आरबीसी 120 दिन में खत्म हो जाता है तो ये क्या करता है स्प्लीन में या फिर यकृत में जाके वहां पे डेड कर जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मुख्य कार्य हो जाता है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करना। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें यहाँ पे शॉर्टकट में HB लिखे हैं। हेमोग्लोबिन को HB के कारण रक्त लाल होता है, इसी हेमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त होता है वो क्या होता है, लाल होता है। HB में लोहा आयरन की मात्रा ज्यादा होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। HB की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है, अगर हेमोग्लोबिन अगर कमी रहेगा किसी के शरीर में उसी के कारण एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। इसी हेमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो होता है वो लाल होता है, इस चीज को
हम लोग देख लिए 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। ये मरता है तो स्प्लेनियन यानी यकृत में जाके खुद पे खुद नष्ट हो जाता है। जैसे लाइसोसोम खाकर नष्ट कर देता है वैसे ही ये क्या करता है उस चीज को नष्ट कर देता है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आरबीसी हो गया। अब डब्ल्यूबीसी को बताते हैं, भी कहा जाता है आरबीसी को, क्या कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। अब इसको स्क्रीनशॉट करिए, पॉइंट छूट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इसे हम हिंदी में श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पल को हिंदी में श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। इसकी संख्या 10,000 होती है। इसमें केंद्रक और केंद्रक होते हैं जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। यही एक है डब्ल्यूबीसी जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन के कारण इसकी रंग सफेद होता है। जैसे आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है उसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। इसी के कारण हमारा व्हाइट ब्लड सेल है ये व्हाइट होता है। और इसकी संख्या 10,000 होती है। ये सफेद रंग का होता है। इसके आधार पर नियमित इसका निर्माण अस्थिर मज्जा में होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो यानी हड्डी, हड्डी के अंदर जालीदार होता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। यही डब्ल्यूबीसी ब्लड का निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी का भी उसी में निर्माण होता होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका डब्ल्यूबीसी के निर्माण अस्थिर मज्जा में होता है, इसी को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। इसकी जीवन काल 4 दिन का ही होता है। ये 4 दिन ही जिंदा रह सकता है, 4 दिन के बाद ये मरता है। तो इसका लाइसोजोम खुद पे खुद खा जाता है, अपने आप में पचा लेता है लाइसोजोम खा के। तो यहाँ पे इसका रंग हम आप लोग को दिखा देंगे इमेज में। यह इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। यह संग्रहित बीमारी को बचाता है। जैसे हम लोग को कोई भी बीमारी हो जाता है उसको संग्रहित करके उस बीमारियों से हमें बचाता है। बीमारी से क्या करता है ये डब्ल्यूबीसी, हमारे बीमारी से बचाता है, रोगों से बचाता है, यानी हमारी रक्षा करता है। इसकी प्रकार होता है एंटीबॉडी, लाइसोस लैम्फोसाइट और मोनोसाइट और न्यूक्लियोफिल और बेसोफिल और इसोफिल। इस ये 5-6 देख यहाँ पे देख लिया। लेकिन सबसे पहले हमारे शरीर में कोई भी वायरस से एक्सीग्रेशन होता है, मतलब कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले किसे पता चल जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में लाइसोसोम आया है, तो सबसे पहले हमारा इससे पता जाता है एंटीबॉडी को पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई भी वायरस आया हुआ है। तो हमारे शरीर में कोई भी वायरस आया हुआ है तो एंटीबॉडी को पता चल जाता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट को बताता है। इसे दूसरा नाम सी सेल, टी सेल भी क्या करता है, ये क्या करता है रक्षा करता है, हमारे बॉडी को रक्षा करता है। एंटीबॉडी को पता चल जाता है, उसके बाद से लिम्फोसाइट क्या करता है उस चीज को क्या करता है, उतरता है और देखता है कि कौन सा हमारे शरीर में बॉडी आया है। तो ये क्या करता है उसके जाते लड़ता है और उसे खत्म कर देता है, उस वायरस को खत्म कर देता है। और उससे अगर मजबूत वायरस होता है जिसके कारण हमको कोरोना वायरस हो जाता है, इसमें क्या होता है कोरोना वायरस में इसी को खत्म कर देता है लिम्फोसाइट को, इसी को खत्म कर देगा। तो इसको मारने वाला कोई इसके पास कोई कुछ है ये नहीं है, नहीं है कुछ मारने के लिए, इसलिए हम लोग को कोरोना वायरस हो जाता है, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट टी सेल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इसे पता चलता है ये जाके उसको खत्म कर देता है। और ये मोनोसाइट क्या करता है, जो मरे हुए होते हैं जो भी वायरस आता है वो मर जाते हैं, उसको ये क्या करता है लाइसोसोम के तरह मोनोसाइट क्या करता है उस चीज को खा जाता है, यानी क्या करता है ये खा जाता है जो भी वायरस आए रहते हैं। उसके बाद निफोफिल बेसोफिल इसोफिल का ज्यादा महत्व इसमें नहीं है, हमारा डब्ल्यूबीसी में इतना ही बताया गया है। इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और जो भी यहाँ पे बताया है इसको लिख के भी अपने भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में लिखे नहीं है, इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद प्लाज्मा प्लेटलेट बचा हुआ उसको बता देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट देख देते हैं। प्लेटलेट का काम क्या रहता है, जो हमारा थका ब्लड रहता है उसको फ्लो करता है। ब्लड यहाँ पे प्लेटलेट क्या क्या फ्लो करता है, उस चीज में बहाव बनाने का कार्य करता है ये प्लेटलेट। इसकी संख्या 7 डे से कम होती है, इसकी संख्या 7 डे तक होती है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी को देख लिए, अब यहाँ पे प्लेटलेट देखते हैं। प्लेटलेट का काम यही रहता है, ब्लड अगर थक्का बनता है उसको फ्लो करने में, मतलब बहाव बनाने में मदद करता है ये प्लेटलेट। इसकी प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन का होता है। अगर प्लेटलेट कम हो जाता है हमारे शरीर में, मतलब डेंगू बीमारी जब होती है हमारे शरीर में, तब प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, हमारा
ये इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। प्लेटलेट की संख्या हम लोग जब भी चेकअप करवा देते हैं तो प्लेटलेट देख लेते हैं 1,00,000 इतना है या फिर ज्यादा है, इस तरह प्लेटलेट देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे शरीर में 2 से 3 लाख प्लेटलेट की संख्या होती है, हमारे शरीर के बीच में 2 से 3 लाख के बीच होती है हमारे प्लेटलेट। तो हम लोग जानते हैं डेंगू नामक बीमारी होती है तो हमारा शरीर से प्लेटलेट की संख्या 50,000 से भी कम हो जाता है। 50,000 से 30,000, 35,000, 32,000, 40,000, 45,000 इस तरह से हो जाती है डेंगू नामक बीमारी होती है तो, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरी हो जाती है। कमजोरी के कारण कहीं भी भद गिर जाते हैं या फिर उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाता है। प्लेटलेट बहुत कम होने के कारण हमारे शरीर में अच्छे से हम चल नहीं पाते हैं, कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, बहुत कमजोरी हो जाता है। इसीलिए प्लेटलेट हमारा चेक करके अच्छे से रखना चाहिए। हमारे शरीर में 2 से 3 लाख नॉर्मल प्लेटलेट होता है, अगर वो 50,000 से कम होता है तो डेंगू अगर बीमारी होता है तो 50,000 से कम हो जाता है। प्लेटलेट भी हमेशा समान रखना चाहिए सब किसी को। यहाँ पे सिर्फ प्लेटलेट में बीमारु, इसको हिंदी में कहते हैं बीमारु, इसमें इतना ही देखना है। सबसे पहले हम इसको बताना भूल गए, यहाँ पे रक्त यानी ब्लड का पढ़ाई हम लोग किस में करते हैं, सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी में इसका रक्त का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए प्लेटलेट मतलब बीमारू, इसकी हम आज का चैप्टर ब्लड इतना ही, इसके बाद हम बताएंगे अगला चैप्टर, इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम बताएंगे अगला चैप्टर यानी ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग से कैसे कार्य करता है। अगर हमारा शरीर यहाँ से कट गया तो ब्लड क्लॉटिंग इस पर एक पपड़ी जम जाता है, वो कैसे हो जाता है क्यों, या फिर पपड़ी नहीं जमता है, ब्लड पूरा फ्लो करने लगता है, इसलिए शरीर का बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है, ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, ये कैसे होता है इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तब तक के लिए हम मिलते हैं इस वीडियो को अच्छे से, आई होप कि समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तब तक के मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।